अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने लगी हूँ खोया या मावा। ये बनाना तो बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके अंदर सिर्फ दूध चाहिए होता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने कोई मीठा बनाना है, उसमें आपको खोया चाहिए, लेकिन आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको खुद घर में भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। तकरीबन 1 लीटर दूध से 1 कप के करीब आपको खोया मिल जाएगा। दूध को मैंने तेज़ आंच पे उबलने के लिए रख दिया है, और जैसे ही एक इसको उबाल आएगा तो चूल्हे को हमने मीडियम कर देना है, और फिर इसको मीडियम आंच पे हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल खुश्क होके एक सॉलिड बॉल की शक्ल में आ जाएगा। दूध उबलने के दौरान इस पे जो मलाई आ रही है उसको मैं एक साइड पर करती जा रही हूँ ताकि ये साइड्स पर लग ना जाए। दूध जब काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो जाएगा तो उस वक्त मैं इस मलाई को भी अच्छी तरह दूध में मिक्स कर लूँगी। अब 25 से 30 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तकरीबन खुश्क होकर ये 1 कप के करीब रह गया है। साइड पे जो सारी मलाई जमा हुई थी उसको अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स कर देना है। दूध जैसे जैसे गाढ़ा हो रहा है, चम्मच हमने अब मुसलसल चलाना है। अगर दूध यहाँ पे स्टेज पे तले में लग गया तो एक तो जले हुए दूध की बू आएगी और दूसरा जो खोए का रंग है वो भी ख़राब हो जाएगा। दूध अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसको मैं मुसलसल मीडियम लो आंच पे पका रही हूँ और चम्मच चलाती जा रही हूँ। जो मलाई साइडों पे आई थी वो भी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। दूध पकते पकते अब बिल्कुल ड्राई हो गया है। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। चूल्हा बंद करके भी इसको 1-2 मिनट तक चम्मच चलाना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे अब ये मावा ठंडा हो चुका है, इस्तेमाल के लिए तैयार है। मैंने इसको गजरेले में डालने के लिए बनाया है। गजरेले की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।